हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर के किचन एक ऐसी जगह होती है जिससे पूरे घर की सेहत जुड़ी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि किचन साफ रहे। बहुत बार हम सफाई तो करते हैं लेकिन किचन में कभी कॉकरोच, बग और चींटियां दिखते हैं। बारिश के मौसम में कीड़े ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि इस मौसम में नमी ज़्यादा होती है। किचन की नाली से सिर्फ कॉकरोच ही नहीं बल्कि और कई तरीके के कीड़े मकोड़े भी निकलते रहते हैं। अगर आप भी किचन के होने वाले कीड़ों से परेशान हैं और बहुत उपाय करने के बाद भी इनसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जिससे किचन की नाली से निकलने वाले कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए आप आजमा सकते हो। और हाँ, अपने साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें सो डेट मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाली से निकलने वाले कीड़े मकोड़े गंदगी या फिर पाइप लीक होने की वजह से आते हैं, इसलिए यह देखना बहुत ज़रूरी है कि पाइप कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि किचन के सिंक की पाइप में गंदगी काफ़ी दिनों से फंसी हुई तो नहीं है। समय समय पर पाइप की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए आपको बेकिंग सोडा या फिर आटा लेना है। बेकिंग सोडा उन जगहों पर छिड़क दें जहाँ पर कॉकरोच या बग्स आते हैं, खास तौर पर रसोई के सिंक या कोने में इसे ज़रूर छिड़कें। इसे हर 3 से 4 दिन में बदलकर छिड़कते रहें। इसके अलावा सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर और पानी इक्वल अमाउंट में मिला लेनी है और फिर उसे उस स्थान पर स्प्रे करें जहाँ सबसे ज़्यादा चींटियाँ आती हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक और टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।